हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील तगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो है जहां पर हम देखेंगे कि लास्ट 2 to 3 डेज में अभी क्या करना है, क्योंकि आपको पता है कि अभी आपका 27 को एग्ज़ाम है और आज 24 जुलाई है। तो मान लीजिए अगर आप आज वीडियो देखें तो आपके पास 2.5 या 3 दिन बचेंगे, कल जो देखेंगे उनके पास 2 दिन बचेंगे। तो लास्ट 2-3 दिन में क्या करना है, और ये क्वेश्चन मुझे कम से कम 200-300 लोगों ने पूछा है टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे मैसेज करके कि सर अभी क्या है, अभी कल परसों इकोनॉमिक सर्वे एंड बजट आया है, अभी ये हमारा जो बजट सेशन हुआ है नया गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद फर्स्ट बजट है, तो ये फर्स्ट जो बजट सेशन होता है वहाँ पे फिर से बजट प्रेजेंट होता है। और अभी इसके पहले जो बजट हुआ था प्रेजेंट इकोनॉमिक सर्वे, वो हमारा इंटरिम बजट था। तो अभी स्टूडेंट्स को डाउट है कि अभी ये पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। देखो, अगर आप प्रीवियस मेरा एक्सपीरियंस देखेंगे ना, तो एग्जाम के पहले 2-3 दिन का भी न्यूज एग्जाम में आता है, क्योंकि ये ऑनलाइन एग्जाम है। करेक्ट, ऑनलाइन एग्जाम है तो 1 घंटे पहले भी पेपर सेट हो सकता है। तो इसलिए हमें यहाँ पे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। कितना काम करना है, क्या काम करने में बताऊंगा आपको, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है। तो चलो यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो अभी यहाँ पे देखते हैं, काफी डिटेल में मैंने बनाया हुआ है यहाँ पे। ये टोटल आरटीआई का एक रिप्लाई है, जहां पर अगर आप देखेंगे टोटल 56,997 एप्लीकेशंस यहाँ पर आए, सारे डिसिप्लिन्स मिला के। यहाँ पे कुछ लोगों ने एक पोस्ट को अप्लाई किया है, कुछ लोगों ने मल्टीपल पोस्ट को अप्लाई किया है। और ये जर्नलिस्ट कैटेगरी में, जर्नलिस्ट डिसिप्लिन में, जर्नलिस्ट कैटेगरी नहीं, जर्नलिस्ट डिसिप्लिन में 2020 में इतने फॉर्म्स आए थे, एप्लीकेशन आए थे 80 पोस्ट के लिए। उसके बाद 2022 में 80 पोस्ट के लिए 54,000 आए थे, और अभी 2024 में जो जर्नलिस्ट है 62, वहां पर 62 पोस्ट के लिए 37,000 एप्लीकेशंस आए हैं एक्चुअली। और ये सबसे कम एप्लीकेशन है अगर आप पिछला ट्रेंड देखेंगे। और यहां पर आप देखो, मतलब अलग अलग पोस्ट के लिए लोगों ने कैसा किया, यहाँ पे साइड में ना ब्रैकेट में मैंने रेड पेन से ये भी लिखा है कि कितनी पोस्ट है। तो आपको ये भी पता चलेगा कि एक पोस्ट के लिए ऑन अप्रोक्सीमेटली हर कैटेगरी में कितना कंपटीशन होने वाला, तो ये आप यहाँ पे स्टॉप करके देख सकते हैं। तो अभी आते हैं हमारे इम्पोर्टेंट टॉपिक पे, जहां पर हम देखेंगे बजट के लिए और इकोनॉमिक सर्वे के लिए मुझे ऐसे लगता है आपको पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है बिल्कुल भी, 1-1 घंटा यहाँ पे देना है। और पीआईबी आपका जो है उसमें जो समरी आई है बस उतनी ही पढ़ लो। कितना टाइम देना है, मैक्सिमम 1 आवर देना। अगर किसी को देना ही है तो 2 आवर्स दे सकते, 2 आवर्स इससे ज्यादा मत दो, ठीक है, मिनिमम 1 आवर एंड मैक्सिमम 2 आवर्स दे दो। अभी यहाँ पे 2-3 दिन में क्या करना है, आपको रिविजन करना है। कौन से टॉपिक का रिविजन करना है, वो टॉपिक है ये, यहाँ पे काफी सारा डेटा है, इंफॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कंपनीज एक्ट है, उसके बाद कॉस्टिंग में है, मैनेजमेंट में कुछ थेरीज होते हैं, कुछ ऑथर्स है उनकी क्या क्या थेरीज है, एंड जो प्योर इकोनॉमिक्स वाला पोर्शन है वहाँ पे भी कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है जो हमें यहाँ पे याद रखनी है। और बाकी जो आपका कॉमर्स अकाउंटेंसी है, फाइनेंस है, वो मोस्टली जो आपका क्या कहते हैं अंडरस्टैंडिंग बेस्ड है। तो ये रिविजन में आपको मैक्सिमम फोकस यहाँ पे देना है। और एग्जाम में जो आपका पेपर 1 है, यहाँ पर आपको पता है कि सेक्शनल टाइमिंग अभी के हिसाब से नहीं है, लेकिन स्टिल जब आप एग्जाम में जाएंगे वहां पे आपको इंस्ट्रक्शन पढ़ लेने हैं। और QRE प्लस GE आपको पता है, यहाँ पे आपको मिनिमम 30% मार्क लाने, लेकिन मुझे लगता है 50% का टारगेट रखो, यानी कि आपको 40 यहाँ पे मिल जाएंगे। यहाँ पे कोई भी एक सेक्शन है यहाँ पे कम्प्लीटली नहीं छोड़ना है। कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि चलो यहाँ पे सेक्शन कट ऑफ नहीं है तो एक सेक्शन देखेंगे ही नहीं, ऐसा मत करना। किसी का क्वांट डिफिकल्ट भी है तो अगर आप 20 क्वेश्चन देखेंगे वहाँ पे तो 2-4 तो इजी आ जाएंगे। तो ऐसा कोई भी सेक्शन है जो कम्प्लीटली आपको नहीं छोड़ना है, एक बार देख लेना है। और मुझे लगता है 50% का टारगेट रखो, आपको 40% के आसपास यहाँ पे मार्क्स मिल सकते हैं, ज़्यादा यहाँ पे डिफिकल्ट नहीं होता है। और ये जो आपका पेपर 2 है, यहाँ पर मेरा ये पिछले कुछ साल का एक्सपीरियंस है कि यहाँ पर आपको मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ पर आपको अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। वैसे तो कट ऑफ जो है यहाँ पे उन्होंने बताया हुआ है 40% मार्क्स लाने, पेपर 1 में 40 लाएंगे, यानी कि यहाँ पे 40 और यहाँ पे 40, तो 80 मार्क में से आउट ऑफ 200 आप पास हो जाएंगे। लेकिन अगर आप यहाँ पे 30 लाएंगे तो आपको यहाँ पे 50 लाना पड़ेगा, क्योंकि दोनों मिला के 80 चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर 30 मत टारगेट कीजिए, यहाँ पे 40 कीजिए, तो फिर आपका पेपर 2 है वो भी 40 में आपका मतलब ओवरऑल सिलेक्शन हो जाएगा। यहाँ पर जितने लोग पास होंगे वो सबको फेस टू के लिए बुलाया जाएगा,
बाकी एग्जाम जैसा नहीं है जहाँ पर कुछ लिमिटेड लोगों को बुलाया जाता है। यहाँ पर अगर 10,000 लोग पास होंगे तो 10,000 लोगों को बुलाया जाएगा, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अच्छे से यहाँ पे रिवीजन कर लो, क्योंकि जो फेज 2 इसका होगा वो बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होगा, वहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन है, क्योंकि इंटरव्यू के लिए 200-300 लोगों को बुलाया जाता है। तो यहाँ पर आराम से एग्जाम देना है, पासिंग का टेंशन नहीं लेना है, लेकिन जितना आप पढ़ाई अच्छा करेंगे फेज 1 के लिए उतना ही आपको फायदा होगा फेज 2 के लिए। और इसके बारे में अगर आपको कुछ डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे पूछ सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।